हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मूंग दाल की कचौरी बनाएंगे। उससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाजू वाली इस बेल बटन को भी प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना सर्च किए हमारे वीडियोस मिलते रहेंगे। बनाने के लिए चाहिए एक कप मूंग दाल। 3 या 4 घंटे पहले इस तरह भिगो कर रख लीजिए। ऑयल 1/2 टेबल स्पून, राई 1/2 टेबल स्पून, जीरा 1/4 टेबल स्पून, हल्दी, करी लीव्स 20 पीस, 2 अनियन इस तरह बारीक काट के रखिए, 8 हरी मिर्च इस तरह बारीक काट के रखिए, 1/2 कट्टा कोरिएंडर बारीक काट के रख लीजिए, साल्ट 1/2 टेबल स्पून, 2 कप गेहूं का आटा। इस आटे को भी आप पानी के साथ इस तरह गूंद कर रख लीजिए 1 घंटा पहले। इस तरह ज़्यादा पानी नहीं, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह गूंद कर रख लीजिए। चलिए अभी बनाने का तरीका। सबसे पहले आप कढ़ाई रख कर गर्म होने के बाद ऑयल डालिए, उसमें जीरा और राई डाल दीजिए, भी करीवेपाक, हरी मिर्च और अनियन को डालकर उसको 2 मिनट तक फ्राई करते रहिए। उसके बबाद अभी साल्ट डाल दीजिए 1/2 टेबल स्पून, इसको 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करते रहिए। मीडियम फ्लेम पे रखिए, आप स्टोव को मीडियम फ्लेम पे रखिए। ध्यान रखिए चमचे हलाते रहिए, क्योंकि दाग नहीं लगनी चाहिए। इस तरह थोड़ा कलर चेंज होने के बाद इसमें हल्दी डाल दीजिए 1/4 टेबल स्पून, डालकर और 5 मिनट तक हिलाते रहिए चम्मच से। इस तरह भिगो के रखे हुआ मूंग दाल को आप पानी नहीं डालना है, सिर्फ दाल को इस तरह डाल दीजिए। इसमें डालकर 5 मिनट तक चम्मच से फ्राई करिए मीडियम फ्लेम पे। उसके बाद इसमें कोरिएंडर डालकर, अगर आप चाहते तो और थोड़ा सा साल्ट डाल लीजिए आपके हिसाब से। कोरिएंडर डालकर आपको प्लेट बंद करनी चाहिए। इस तरह 5 मिनट तक आप स्टोव को सिम में रख दीजिए। उसके बाद प्लेट निकाल कर उसको मिला कर, अभी ये तैयार हो गया, साइड में रख दीजिए। अभी हम स्टोव लगा कर कढ़ाई रखी, उसमें ऑयल डालिए 250 ml, वो गर्म होने तक। अभी पापड़ की तैयारी कर लेते। थोड़ा सा आटा लेकर इस तरह करके चाकू से छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए, मतलब चपाती के गोले से थोड़ा कम इस साइज पे कर लीजिए। इस तरह उस रोटी को बेल कर, पापड़ को बेल लीजिए, उसमें वो जो बनाई हुई है उस मूंग दाल को उस पर रख के राउंड से इस तरह मोड़ दीजिए। बिल्कुल कचौरी राउंड होनी चाहिए। पूरा उसके ऊपर आने के बाद थोड़ा सा लाइट ऐसा प्रेस कर गरम हुए ऑयल में इस कचौरी को एक एक करके डाल देते हैं। इसमें एक ही बार 4 कचौरी डाल सकते हैं। इस तरह मीडियम फ्लेम पे रखकर कचौरी की तलनी चाहिए। अभी इसको पलट के डालते, इस कचौरी ब्राउनिश आने तक इसको तलनी चाहिए। मीडियम फ्लेम पे रखिए स्टोव को, इसको एक बार और दूसरी बार एक बार इसको पलट के डालिए। दोनों तरफ दो दो बार करके डालिए। अभी कचौरी तैयार हो गई, इसको हम साइड को ले लेते प्लेट में। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
गरम गरम आपको कचौरी तैयार है। इसको हम तले हुए हरी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं। इस तरह हरी मिर्च ऑयल में तलकर कचौरी के साथ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, कॉमेंट्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।